लोहरदगा के कुडू प्रखंड उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर से लगभग 70 पेड़ की कटाई कर ली गई। लकड़ी माफियाओं ने स्कूल प्रबंधन समिति और प्रिंसिपल की मिलीभगत से 70 यूकलिप्टस के पेड़ काट लिए। स्कूल से काटे गए पेड़ की संविदा सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी नहीं है। पेड़ों को काटने के बाद प्रबंधन ने वहां रह गई जड़ों को हटाने की भी जहमत नहीं की। विद्यालय परिसर का जायजा लिया हमारे संवाददाता पारस कुमार साहू ने। स्कूल में जहाँ की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी राजनीति माहौल में शिक्षा स्वास्थ्य की बातें हो रही है। पूर्व प्रखंड का यह तान विद्यालय है जहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि छोटे से क्षेत्र में 8 क्लास तक का यह विद्यालय है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हालांकि टिफिन का समय है, बच्चा भोजन के बाद खेल रहे हैं, लेकिन जो स्कूल का मैदान की हालत देख रहे हैं कि यह तस्वीर बता रही है कि यहाँ विगत 2-3 दिन पहले या सप्ताह भर के अंदर में यहाँ की जो पेड़ की अवैध कटाई की गई है कहीं ना कहीं, और जो पेड़ की कटाई की गई है वो अभी भी आधे अधूरे कटाई की गई है, जिससे स्कूल का जो मैदान है वो खतरों भरा हो गया बच्चों के लिए। हालांकि बच्चे इसी बीच अपना जान जोखिम में जाकर खेल रहे हैं। वहीं स्कूल की बात करें तो जो स्कूल है गांव के बीच में है, लेकिन स्कूल तक आने का पहुँच पथ नहीं है। सामने दाहिनी ओर से ही बच्चे खेत से आते हैं स्कूल में, लेकिन ये रास्ता आज तक नहीं बना है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है स्कूल में जिस तरह से। और बच्चे जो स्कूल हैं वहीं स्कूल में काफ़ी दिक्कत ये है कि जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ शिक्षण कार्य के लिए टीचर भी नहीं है। जो एक टीचर है वो भी चुनाव कार्य में व्यस्त है। कुछ सहायक बच्चे हैं गाँव का जो स्कूल में आकर के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षण का काम करते हैं। हालांकि जो बच्चों की संख्या है 100 से अधिक है, ऐसे में समझा जा सकता है कि स्कूल में जो शिक्षण व्यवस्था हो सिर्फ खाना पूर्ति ही चल रहा है। पारस साहू, न्यूज 11 भारत, लोहरदगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।